हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम इस लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, क्लास 12th केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मैंने जैसा आपको सिलेबस में बताया था कि पूरा एक जो बुक वन है उसमें हम फिज़िकल और इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, और जो बुक टू है वो पूरा ऑर्गेनिक है, जो कि चैप्टर 10 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन देखते हैं। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेडिंग लगाएं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, आज जस्ट बेसिक होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एरीन्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, उन सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा है बच्चों, हेलो एल्केन, ये हमारा है चैप्टर 10, बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर है ये। ठीक है, 9 चैप्टर्स हमारे बुक 1 में हैं। जो बुक 2 है वो चैप्टर 10 से स्टार्ट होकर चैप्टर 16 तक है, जिसमें से भी लास्ट के 2 चैप्टर्स हमारे सिलेबस में नहीं हैं। हमें इसमें सिर्फ 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही थी कि हेलो एल्केन्स, नाम से ही पता चल रहा है, हेलो, हेलो मीन्स हेलोजन। क्या है हेलोजन? एक वर्ड छिपा हुआ है इसके अंदर, एल्केन। ठीक है, दोनों ही वर्ड से आप पहले से ही वाकिफ़ हैं कि हेलोजन्स क्या होती हैं, आपको पता है। हेलोजन को हम एक्स से डिनोट करते हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, पता है हेलोजन ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक के मेंबर्स हैं। ठीक है, एल्केन जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+2, ये एल्केन होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है एल्केन। फर्स्ट, सबसे पहला एल्केन है मीथेन, मैं उससे आपको समझाती हूँ। मीथेन, व्हाट इज मीथेन? CH4, यानी कार्बन की 4 वैलेंसी जो हैं वो हाइड्रोजन ने फुलफिल की हुई है बच्चों, ये तो है मीथेन। ठीक है, अगर मैं एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाऊँ और इसकी जगह पर क्या लगा दूँ, हेलोजन एक्स, या तो FClBrI। ठीक है, मतलब फ्लोराइड आयन, F-Cl-Br-I-, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ऐड करूं तो ये क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन रिमूव करी, उसकी जगह पर क्या लगाया, हेलोजन। अब इसका नाम क्या होगा, ध्यान से देखो, क्लोरोमीथेन। पहले क्या था, मीथेन, अभी क्या बना, ये क्लोरोमीथेन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ CH3X। CH3X है ना बच्चों, ये इसको क्या बोलूंगी मैं, क्लोरोमीथेन। ये तो इसका IUPAC नेम हो गया। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं तो इसका कॉमन नेम है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। बात समझ आ रही है? एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करके कोई हेलोजन ऐड हो जाए तो वो हेलो एल्केन बन जाएगा, जैसे मीथेन था। मीथेन की 4 वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल थी, मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव करके एक हेलोजन ऐड किया, कॉमन एक्स लिया अभी मैंने, तो इसको मैंने क्या बोला, क्लोरो। अगर मैं एक्स की जगह पे क्या लूँगी, सीएल, तो मैं इसे क्या बोलूँगी, क्लोरोमीथेन। अगर मैंने बीआर ऐड किया होता तो क्या बोलती, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन। तो समझ आ रहा है, हेलो एल्केन बेसिकली क्या है, ये हैं। ठीक है, एल्केन के साथ हेलोजन, हेलो एल्केन्स, तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। और आपको पता है CH3, देखो CH4 को हम क्या कहते हैं, मीथेन। ठीक है, इतना पता है। अगर मैं इसकी एक वैलेंसी बच्चों फ्री कर देती हूँ ना, ये क्या कहलाता है, मिथाइल। क्या कहला रहा है, मिथाइल। और अगर हेलोजन लग गई, कोई भी हेलोजन, तो हम क्या बोलेंगे, मिथाइल हेलाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल फ्लोराइड। दिस इज द कॉमन नेम। ठीक है, जब भी आपको IUPAC नेम देना है, आपको हेलोजन पहले नेमिंग करनी है, जैसे CH3, CH2, BR। आपको बोला जाए इसका नाम क्या होगा, आप क्या बोलेंगे, IUPAC नेम क्या होगा, देखो, ब्रोमोइथेन। 2 कार्बन की चेन क्या कहलाती है, इथ, है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो इथेन। क्लियर हो गई बात?
और अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं तो ये क्या है, इथाइल CH3CH2 एक वैलेंसी फ्री, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड। तो ये सब क्या है, हेलो एल्केन्स हैं। हम बहुत सारी हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे, उनके नॉमनक्लेचर को देखेंगे। जस्ट मैंने आपको बताया कि हेलो एल्केन्स होते क्या हैं, ठीक है। ब्रोमो इथेन इज़ द कॉमन नेम ऑफ IUPAC नेम ऑफ CH3CH2Br एंड द कॉमन नेम ऑफ CH3CH2Br इज इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम है। हमको जनरली कौन से नेम यूज़ करने हैं, IUPAC नेम, ब्रोमो इथेन, ठीक है, क्लोरोमीथेन, क्लियर। तो ये जस्ट बेसिक था, इतना आपको पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन्स होते क्या हैं। नेक्स्ट है हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स क्या होता है बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है, अब की बार एरोमेटिक कंपाउंड होगा जिसके साथ हेलोजन अटैच होगी, ठीक है। यानी मैंने लिया बेंजीन, उसके साथ हेलोजन अटैच कर दी, तो ये क्या है, एक हेलो एरीन है, ठीक है। X की जगह पर Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, आयोडीन भी, हेलोजन भी, ठीक है। यानी अगर मैंने लिया ये, दिखाई दे रहा है, ये मैंने जो गोला बनाया ना बेटा सर्कल, इसका मतलब यही है कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कॉन्जुकेशन में है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है ये, ठीक है। तो मैं अगर ऐसे दिखा रही हूँ या ऐसे दिखा रही हूँ, बोथ आर सेम, ओके। इसको मैं क्या बोलूंगी, क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, ठीक है। यानी ये क्या कहलाएगा, बेसिकली एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, ठीक है, या फिर हेलो एरीन्स, क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। आपको दे दिया बेंजीन, उसके साथ CH2Cl, आपको बोला जाए इसका नाम क्या है, आपको पता है बच्चों ये वाला ग्रुप क्या कहलाता है, बेंजाइल, क्या कहलाता है, बेंजाइल, और इसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, दैट मींस बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। क्लोरोबेंजीन और बेंजाइन क्लोराइड में बहुत फ़र्क है, आगे बताने वाली हूँ क्या फ़र्क है, जब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। दिस ग्रुप इज नोन एज बेंजाइलिक ग्रुप और बेंजाइल क्लोराइड, क्लियर है। बड़े आगे अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, मैं इसे रब कर रही हूँ, चलिए। ऑल राइट, हेडिंग लगाओ क्लासिफिकेशन। हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। क्लासिफिकेशन बहुत बेसिस पर होगा। सबसे पहले हम कौन से बेसिस पे इसको क्लासिफाई करते हैं कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने प्रेजेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी है, हमने जो क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, हेलोजन atoms present in the compound, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि मोनो हेलो एल्केन भी हो सकता है, डाई हेलो एल्केन भी हो सकता है, ट्राई हेलो एल्केन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मोनो हेलो एल्केन है, मोनो का नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, मोनो हेलो एल्केन मतलब आपके पास एक हेलोजन है। जैसे अभी भी हमने एग्जाम्पल दिया CH3CH2Br, इस कंपाउंड में सिर्फ एक ही ब्रोमीन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये मोनो हेलो एल्केन है, ओके। बी डाई हेलो एल्केन, जब दो हेलोजन्स प्रेजेंट हो एक ही कंपाउंड में, ठीक है। अब उसमें दो कैटेगरी हम देख सकते हैं, देखो CH3CH BrBr, अगर एक ही कार्बन पर दो हेलोजन प्रेजेंट हैं, एक बार ऐसे भी दिखा सकते हैं CH2Br, ठीक है। तो इनके IUPAC नेम चेंज हो जाएंगे, इनके कॉमन नेम भी चेंज हो जाएंगे। ध्यान से देखना, जब किसी भी कंपाउंड में एक ही कार्बन पर, जब किसी भी कंपाउंड में एक ही कार्बन पर हेलोजन प्रेजेंट होती है, तो वो टर्म जो है वो बच्चों क्या कहलाती है, जेम डाई हैलाइड,
क्या कहलाती है? जैम डाइहेलाइट। एक्चुअल में ये क्या है? जैम डाइब्रोमाइट, क्योंकि हैलोजन्स दोनों हैलोजन सेम कार्बन पर प्रेजेंट है, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे जैम। और चूंकि हैलोजन थी ब्रोमीन तो मैंने क्या लगा दिया? ब्रोमाइट। अगर मैं इसका IUPAC नेम देखूं तो अब क्या होगा? देखो नंबरिंग यहां से करेंगे कि हैलोजन को कम नंबर मिले। 11 डाइब्रोमो इथेन, ठीक है, 11 लगाने की जरूरत भी नहीं है, आप क्या लिख सकते हैं? डाइब्रोमो इथेन या फिर 11 डाइब्रोमो इथेन इज द IUPAC नेम ऑफ जेम डाइब्रोमाइट। क्लियर? अगर एडजेसेंट कार्बन पर कभी भी हैलोजन प्रेजेंट है, एडजेसेंट कार्बन पर, याद रखना बिल्कुल पास वाले, तो एक टर्म आती है बच्चों विसिनल, ये इसको मैं क्या बोलूंगी? विसिनल डाइब्रोमाइड। दोनों में फर्क देख पा रहे हो? सेम कार्बन पर दोनों हैलोजन, एडजेसेंट कार्बन पर बिल्कुल पास वाले, नेबर वाले, जो नेबर का नेबरिंग कार्बन है उस पर हैलोजन प्रेजेंट है, तो उसके लिए वर्ड है विसिनल। अगर इसका IUPAC नेम देखो तो क्या होगा बच्चों? 12 डाइब्रोमो इथेन, 12 डाइब्रोमो इथेन। देखो अगर आप 11 नहीं लगाएंगे चलेगा, आपने डाइब्रोमो इथेन लिखा समझ आ जाएगा, आप चाहे यहां पर भी BR आ सकता है, यहां पर भी नंबरिंग वहीं से हो जाएगी, लेकिन अगर इस तरह से ब्रोमीन प्रेजेंट है तो आपको इनकी लोकेशन भी मेंशन करनी पड़ेगी। 12 डाइब्रोमो मीथेन इथेन, सॉरी डाइब्रोमो इथेन। क्लियर होगी? तो ये क्या हुआ? मोनो हेलो एल्केन्स, ये क्या हुआ? डाई हेलो एल्केन्स। अगर तीन हेलोजन प्रेजेंट हैं, ठीक है, हो सकता है ट्राई हेलो एल्केन हो, ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन्स। इसमें क्या होगा? तीन हेलोजन प्रेजेंट है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक्स मैंने कॉमन हेलोजन ले लिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3, है ना, ट्राई हेलो प्रोपेन। ठीक है, एक्स की जगह पर हम क्लोरीन ले ले, CL CL CL। इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। तीन कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं बच्चों? ट्राई क्लोरो प्रोपेन। 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन बोलते हैं ना तीन कार्बन की चेन को। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं इसलिए सफिक्स क्या लगेगा? एन। 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन, समझ आया? तो ये बेस था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम इन द कंपाउंड। सेकेंड कैटेगरी देख लें, इतना नोट करें, फिर मैं इसे रब करती हूँ, फिर हम इसको और क्लासिफाई करते हैं। चलिए आज बस बेसिक होगा, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर। पहला बेस हम देख चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम इन अ कंपाउंड। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग एस P3CX bond, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ी हुई है वो कार्बन sp3 hybridized है, तो इसमें हम कौन कौन से examples लेंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो पहला example तो यही हो गया बच्चों, देखो CH3 CH2 CN, इसको हम इस कैटेगरी में डालेंगे जो सिंपल हेलो एल्केन्स हैं। इसमें आप क्या देख रहे हैं? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। आपको हाइब्रिडाइजेशन अगर डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल पर आपको क्लास 11th का जो 4th चैप्टर है उसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर मिल जाएगा, जो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, जिसको मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, थोड़े दिन के बाद वो अपलोड हो जाएगा। सेकेंड, अगर आपको इसी वक्त ट्राई करना है कि sp3 sp2, तो मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। आप क्या करें, आप इसको ऐसे लिख लें CH3, इसको ओपन कर लें,
क्योंकि हमें इस कार्बन का चेक करना है ना कि sp3 है, sp2 है, sp है, तो आप क्या करें, इसको ऐसे बॉन्ड्स को एक्सपैंड कर लें, ठीक है। अभी इसको भी कर लेते हैं, चलो मैं आपको अभी सिखा देती हूँ। ये CH3CH2Cl है, दिख रहा है, ठीक है। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको हमें चेक करना है, तो आप क्या करें, जिसका भी चेक करना हो ना, उसके चारों तरफ जितने भी सिग्मा बॉन्ड हैं प्लस लॉन पेयर हैं उनको ऐड करें। लॉन पेयर तो है नहीं, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 1, 2, 3, 4। इस कार्बन के चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा का मतलब 1s और 3p। 5 सिग्मा होता 1s 3p 1d, sp3d। 2 सिग्मा होते, सिर्फ 2 सिग्मा होते तो sp। भाई s के अंदर कितने सब ऑर्बिटल होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है। p में 3 सबशेल होते हैं, पता है ना आपको। डी में इस तरह से 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो ये एस और पी पार्टिसिपेट करेगा, 2 सिग्मा का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। 3 सिग्मा है तो 1s और 2p, यानी sp2, क्लियर। 4 सिग्मा अगर प्रेजेंट हैं तो sp3। 5 सिग्मा है तो 1s 3p 2d, हाइब्रिडाइजेशन विल बी एस, ये sp3d हो गया। देखो 4 सिग्मा में sp3 हुआ, 5 में 1, 2, 3, 4, 5 sp3d, 6 है तो sp3d2। तो इस तरह से आप वहीं पर ही चेक कर सकते हैं। अगर आपसे पूछते ये कार्बन 1, 2, 3, 4, अगेन 4 सिग्मा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। बेसिकली जो हाइब्रिडाइजेशन है वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर होते हैं। अब यहाँ लॉन पेयर तो है नहीं, सारे कोवेलेंट बॉन्ड हैं, तो हमने क्या करा, चारों तरफ के सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लिए। तो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो हम इस वाली जो हेलो एल्केन्स की कैटेगरी है उसको किस में डालेंगे, इस वाले जो sp3 cx बॉन्ड के अंदर इसको हम डाल देंगे, ठीक है। सेकेंड है, जितने भी एलाइलिक हैलाइड्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट, एलाइलिक हैलाइड्स। अब एक वर्ड आया है एलाइलिक, आपको एलाइलिक और विनाइलिक में डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे जेम डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड था ना बच्चों, ऐसी 2 टर्म और सीखने को मिलेंगी आज, एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। मैं अभी आपको बना के सिखाती हूँ कि एलाइलिक क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, एलाइलिक जो हैलाइड है, एलाइलिक ग्रुप में आपको एक तो डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड के अल्टरनेशन में आपको हेलोजन मिलेगी। डबल बॉन्ड यानी एक एल्कीन जिसमें पाया जाने वाला हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो वो ग्रुप कौन सा है, एलाइलिक। इस वाले ग्रुप को बच्चों बोलते हैं एलाइलिक। CH2 डबल बॉन्ड, CH बॉन्ड CH2, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन। तो ये क्या हुआ, एलाइलिक क्लोराइड। अब इसमें देखो ये वाला कार्बन अगेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 2 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, 1 सिग्मा ये रहा, 1 सिग्मा ये रहा, 4 सिग्मा का मतलब sp3, ठीक है। तो एलाइलिक ग्रुप क्या है, एल्कीन, एक एल्कीन है जिसमें जो हेलोजन है वो किस कार्बन से जुड़ी हुई है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, और ये डबल बॉन्ड इस हेलोजन के साथ अल्टरनेशन में, आप देखो डबल फिर सिंगल फिर हेलोजन आ गया, बात समझ आ रही है, एलाइलिक ग्रुप है ये, ठीक है। अगर मैं इसका IUPAC नेम करें तो क्या होगा, IUPAC नेम धीरे धीरे सीख लो, यहीं पर ही वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो 1, 2, 3 क्या नाम होगा, 3 पर क्लोरीन, 3 क्लोरो, प्रॉप 1 ईन। अब 1 ईन लगाने की जरूरत नहीं होती तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रोपीन, 3-क्लोरो-प्रोपीन, प्रॉप 1 ईन भी लिख सकते हैं, प्रोपीन भी लिख सकते हैं। तो एलाइलिक ग्रुप समझ आया बच्चों, एलाइलिक ग्रुप में आपसे पूछा जाए हेलोजन किस कार्बन से अटैच होती है, आप बोलना sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होती है, दिख रहा है साफ से। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड CH2Cl,
इस सी एच के साथ सी एल नहीं अटैच करना, वो विनाइलिक बन जाएगा भी दो मिनट में आते। बात समझ आई? तो एलाइलिक हैलाइड भी हम इस कैटेगरी में डालेंगे क्योंकि इसमें सी एक्स बॉन्ड में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ठीक है, थर्ड कैटेगरी, थर्ड इसके अंदर हम कौन सा एग्जाम्पल डालेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, अभी बताया था बच्चों बेंजाइलिक ग्रुप कौन सा होता है, देखो ये बेंजीन इसके साथ CH2, दिस ग्रुप इज बेंजाइल। बहुत फर्क है क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल में, बहुत फर्क है क्योंकि बेंजाइल में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ी हुई है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। चेक कर लो CH2 है, इसको एक्सपेंड करके दिखाऊं, HH कितने सिग्मा हो गए, एक सिग्मा, दो, तीन, चार, चार सिग्मा का मतलब sp3। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है? इसको मैंने इस कैटेगरी में क्यों डाला, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ी हुई है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, तो बेंजाइल ब्रोमाइड, अगेन बेंजाइल ब्रोमाइड में ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो मैं तीन एग्जांपल मैंने इसमें डाले हैं इस कैटेगरी में, एक सिंपल हेलोएल्केन क्लोरोइथेन, एक एलाइलिक हैलाइड और एक बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, क्लियर हो गई बात? थर्ड कैटेगरी है बच्चों की जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ी हुई है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है। आए उस पर, चलिए इतना नोट करें, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। क्लियर, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, थर्ड कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp2 cx bond। अब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ी हुई है उसका हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेगा sp2। पहला एग्जांपल ले विनाइलिक हैलाइड, बहुत इंपॉर्टेंट विनाइलिक हैलाइड, देखना एलाइलिक और विनाइलिक में क्या फर्क है, अभी बना रही हूं आपके सामने। विनाइलिक होता है बच्चों ऐसा, फर्क नजर आया, एल्कीन, एल्कीन में ही क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। चेक करें चारों तरफ के सिग्मा बॉन्ड काउंट करें, चलिए एक्सपेंड कर दूं आपकी सहूलियत के लिए ताकि आपको समझ आ जाए, कितने सिग्मा, जब एक सिंगल बॉन्ड होता है तो हमेशा क्या होता है बच्चों, सिग्मा। ठीक है, कभी भी पाए बॉन्ड इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता, CH के बीच में सिग्मा, जब दो बॉन्ड प्रेजेंट हो उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाए। ठीक है, चलिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें, एक सिग्मा, दो, तीन, कितने सिग्मा है, तीन सिग्मा, तीन सिग्मा का मतलब एक एस, दो पी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। एलाइलिक में क्या था, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ी थी उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, विनाइलिक में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ी है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। एल्कीन के जस्ट इसी कार्बन पर ही हेलोजन अटैच है, याद आ रहा है, एलाइलिक में वीडियो रिवर्स करो और देखो एलाइलिक का स्ट्रक्चर और विनाइलिक का, इसका नाम क्या होगा, विनाइलिक क्लोराइड। IUPAC नेम 1, 2, दो ही कार्बन है, 2 क्लोरो इथीन, इथीन है ना बच्चों, डबल बॉन्ड है, 2 क्लोरो इथीन इज द IUPAC नेम ऑफ विनाइलिक क्लोराइड। ठीक है, तो विनाइलिक हैलाइड को मैंने इस वाले क्लासिफिकेशन में डाला जिसमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ठीक है, सेकेंड जितनी भी हेलो एरीन्स हैं, मतलब मैंने लिया क्लोरोबेंजीन, देखो अगेन ये जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन ये भी इसमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन ध्यान से देखना, इस कार्बन के चारों तरफ के सिग्मा बॉन्ड काउंट करें, एक सिग्मा, दो सिग्मा, एक पाई, कितने सिग्मा हो गए, तीन सिग्मा, तीन सिग्मा का मतलब
कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो क्लोरोबेंजीन को भी हम किस कैटेगरी में डालेंगे, जिसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। वहीं बेंजाइलिक हैलाइड इससे पहले कराया था वो कैसा था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हैलोजन अटैच था। समझ आ रही है बात। ये कार्बन का चेक करो, चारों तरफ तीन सिग्मा बॉन्ड है, तीन सिग्मा का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, देयर इज नो लोन पेयर, तो हमने चारों तरफ के सिग्मा बॉन्ड ही ऐड कर दिए। क्लियर हो गई बात। तो बच्चों ये था हमारा क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर, जिसमें हमने एराइल हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड एग्जाम्पल देखे। इसमें इससे पहले एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रखते थे, और नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स कितने हैं उस बेस पे हमने इनका नॉमनक्लेचर और क्लासिफिकेशन देख लिया। तो इस वीडियो में इतना ही, ये बेसिक था, लेकिन इस चैप्टर की जो बेस होता है ना बच्चों, ये सब चीज़ें पता होंगी तभी तो हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये वीडियो देखना पूरा, फिर आप नेक्स्ट वीडियो पे आना जो मैं इसके बाद बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखते रहें, अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स को मेरे साथ क्लियर करते रहें। थैंक यू सो मच।